और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं इनकी मिली भगत है, वरना एक वाटर कूलर नहीं चल सकता यहाँ पे। और आप देख रहे हैं DPP न्यूज़, खबर वही जो हमने कही, सच दिखाते हैं झूठ नहीं। और आज हम आए हैं बिजनौर के रोडवेज बस स्टैंड पर, आइए दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। जी अंकल जी, बोलो जी, आपका शुभ नाम? जावेद जी। जैसे भीषण गर्मी हो रही है यहाँ पे, आपके लिए कोई पानी वानी की व्यवस्था? कहाँ पानी दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है यहाँ पे, बस भी नहीं है दिल्ली के लिए। एक घंटे से डेढ़ घंटे खड़ा हुआ। अच्छा, एक घंटे डेढ़ घंटे खड़े हैं अभी, तो आपके लिए कोई बस नहीं? अंदर पूछा इससे, कह रहा बोले जाम था कहीं। अच्छा, बोले इधर से आएंगे नजीबाज के लिए पानी वानी की व्यवस्था कोई रोडवेज तो कहीं आपको भी ना दिखाई दे रही होनी, देख रही शायद यहाँ पर तो हर रोडवेज पे फ्रीजर लगा हुआ होता है। ना ना, फ्रीजर कहाँ है, एक नल तो खड़ा उधर शायद, उधर हमें दिखाई दे रहा है वो फ्रीजर भी है उधर है, तो होगा मेहनत करा। आइए देखते हैं फ्रीजर चल रहा है या नहीं चल रहा, आइए जानते हैं इन भैया से कुछ रोडवेज बस स्टैंड के बारे में। जी भैया, आपका सुनना? कृष्णा सैनी। कृष्णा सैनी, तो भाई आप यहाँ कुछ काम करते हैं, जा रहे हैं कहीं? भैया मेरठ से आया हूँ, जाने के लिए खड़ा हूँ, बस ही नहीं मिल रही। अच्छा, तो जैसे भीषण गर्मी हो रही है, आपके लिए कुछ पानी वानी की व्यवस्था है? भैया नल से लाया हूँ, पानी भी गर्म आ रहा है इनके वाटर कूलर। ठीक है, धन्यवाद। बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप देखिए, मेरा नाम रोहिताश है और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि सबसे बड़ी समस्या आती है इवनिंग में बसों की। चार बजे के बाद बसें मिलनी मुश्किल हो जाती है, स्पेशली नजीबाबाद रोड पर बसें नहीं मिलती हैं। रीज़न शायद उसका अननोन है, मैं ये कह सकता हूँ शायद शाम को छुट्टी का टाइम होता है इसलिए सब लोग जल्दी चले जाते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, ये लोग सवारी बिठाते नहीं हैं, अगर यहाँ पे लाए तो यहाँ से चलने के बाद वो जजी पे नहीं रोकेंगे, शक्ति पे नहीं रोकेंगे और सीधे ले जाएंगे जी। या फिर और एक काम करते हैं, ये लोग यहाँ से सीधे बाईपास लेते हैं जी। और बाईपास से निकाल के ले जाते हैं, जबकि जो रूट है, जो डिफाइंड रूट है, उसको फॉलो नहीं करते हैं जी। बस में जगह है इसके बावजूद भी नहीं बिठाते हैं जी। आप ये बताइए, मैं डेली पैसेंजर हूँ जी। आप रहने वाले कहाँ हैं? मैं रहने वाला किरतपुर के पास, मेरा गांव है रसूलपुर शाहबुद्दीन। रसूलपुर शाहबुद्दीन, तो आपको रोडवेज से ही प्रॉब्लम है? हाँ, मैं डेली सफ़र करता हूँ, डेली मैं पैसेंजर हूँ। हाँ, कंटिन्यू डेली पैसेंजर हूँ। तो आपने इनसे कुछ ये बात नहीं की इस बारे में कि ऐसा क्यों होता है? हाँ, बोलते हैं इनको इस चीज़ के लिए, लेकिन ये बोलते हैं कि बसें कम हैं, आ जाएंगी, कभी सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं होता उस चीज़ का इनके पास में। और जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है कूड़ा करकट भी बहुत है, तो ये भी साफ़ नहीं करते हैं? ये भी साफ़ नहीं होता। अच्छा, ये जैसे इतनी गर्मी हो रही है यहाँ, भीषण गर्मी पड़ रही है, तो वाटर के लिए क्या व्यवस्था है? वाटर की कोई व्यवस्था नहीं है, सारी लॉबिंग है, जो बेचने वाले लोग हैं वो फिर कहाँ से बेचेंगे? अच्छा, इस रोडवेज के ऑफिस में कोई बैठा होता है या फिर कोई नहीं है? देखिए, वहाँ पे जाके अगर इंक्वायरी पे जाएंगे तो एक शख्स बैठ रहता है, उसके पास कोई आंसर ऐसा नहीं है जो आपको सेटिस्फाई कर सके। अच्छा, कोई ऐसा नहीं है? अभी मैं जाके पूछूं कि बताइए आपने मतलब इवनिंग में बसों की क्या व्यवस्था है जी? कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी। ये शॉप है यहाँ पे, वाटर कूलर भी यहाँ का बंद है, तो आपको क्या लगता है कि ये शॉप वाले अपना बिजनेस बना रहे हैं? ऑब्वियसली बात है, ये वेल अंडरस्टूड है, ये सिर्फ जितने भी शॉपकीपर्स हैं और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं इनकी मिली भगत है, वरना एक वाटर कूलर नहीं चल सकता यहाँ पे जी। वट इज़ द प्रॉब्लम? तो ये तो सभी को लगता है कि ये अपना बिजनेस चला रहे हैं, जैसे कि वाटर कूलर भी बंद है, सभी को प्रॉब्लम हो रही है यहाँ। कोई ऐसा भी होता है कि नहीं खरीद पाता पानी, तो क्या वो बहुत सारे लोग हैं, मैक्सिमम लोग वही कम्युनिटी है जो बस से ट्रैवल कर रही है, एक आम लोग है जो बस से ट्रैवल कर रहा है ना। अदरवाइज जिसके पास पानी खरीदने की क्षमता 20 रुपये की बॉटल खरीदने की क्षमता, वो बस से ट्रैवल रेयरली करता है, वो नहीं चाहता कि मैं बस में पानी खरीद के पीऊँ। एक वाटर कूलर सामने रखा लेकिन वो वर्किंग में नहीं है जी। अभी इनसे दुकान वालों से भी बात करते हैं थोड़ी। भैया भैया आपसे थोड़ी बात करनी है जी। जी, आपका शुभ नाम? साकिर। साकिर जी, जी आप हमें ये बताइए, वाटर कूलर कब से बंद पड़ा है यहाँ? वो जी पता नहीं, आपको नहीं? आपको नहीं पता है? कब से रहते हैं यहाँ आप? होगा 4-5 दिन होगा। 4-5 दिन से आप यहीं रहते हो? 4-5 दिन से मतलब ये बंद पड़ा है? तो चल भी जाओ, सही भी हो जाए और ख़राब भी हो जाए, ऐसे ही चल भी जाता है और ख़राब भी हो जाता है। मतलब जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे देश की व्यवस्था इतनी अंग भंग हो रही है कि ये वाटर कूलर चल भी जाता है और बंद भी हो जाता है, इनको भी नहीं मालूम कि ये चलता भी है। आपका शुभ नाम? प्रभात सिंह जी। आपने अभी यहाँ वाटर कूलर से पानी पिया, तो पानी ठंडा आ रहा है? गर्म गर्म है। गर्म है जी, तो ये चल क्यों नहीं रहा है? आप यहाँ रहते हो या फिर कहीं जा रहे हो, यात्री हो? हम तो यात्री है। यात्री हैं, तो आप पानी का कैसे कर रहे हो? पानी का हमने तो भैया बोतल का पी लिया अभी। अच्छा अंकल जी, चप्पल बोतल कहाँ से ली थी आपने? गाड़ी में से ली थी। गाड़ी में से? आपको क्या लगता है कि ये जो शॉप वाले हैं यहाँ, ये अपना बिजनेस बना रहे हैं इसका? हाँ जी, हम तो बना ही रहे, बिजनेस बना रहे हैं ये। हाँ जी, जैसा कि आपने देखा, हमने सभी से बात की और सभी से यही पूछा है, तो सभी का कहना यही है कि इन्होंने
ये वाटर कूलर बंद करवा रखा है और इसका बिजनेस बना रखा है, क्या आपने निजी कार्य के लिए जनता को परेशान किया जाएगा? क्या ऐसा ही होगा? बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।